दुर्गेश में आज फ्रेंड सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में मैम के आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड आज हम लोग थोड़ा सा चेंज किए हैं, हिंदी की जगह सीडीपी को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग माइंड सेट करिएगा। क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे जैसे आप लोग जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली। फ्रेंड फटाफट जुड़िएगा, वीडियो को शेयर कर चलेगा। क्लास को प्रारंभ करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होने होकर नीचे की दिशा में होने वाले शारीरिक वृद्धि को कहा जाता है। बड़ा ही मजेदार प्रश्न है फ्रेंड, फटाफट कमेंट सेक्शन में आ जाइए और अपने अपने आंसर कमेंट करना प्रारंभ कर दीजिए। क्या सिर पादमुखी अनुक्रम कहते हैं, क्या पादमुखी सिर अनुक्रम कहते हैं, क्या मुख सिर अनुक्रम कहते हैं, क्या पाद विमुख अनुक्रम कहते हैं? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइए फ्रेंड इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है, फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या है। जल्दी जल्दी आ जाइए लाइव, सभी साथी लाइव आ जाइए, फटाफट क्वेश्चन कमेंट में बताएं तो क्या है सही जवाब जल्दी से। चलिए एक मिनट हम लोग भी चलिए फटाफट आंसर कमेंट करिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या है फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं जल्दी से। जी हाँ, चलिए आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। जी हाँ, विकल्प नंबर बी वाले साथियों के जवाब सही है भैया, सॉरी बी नहीं ए वाला। जी हाँ बिल्कुल, ए वाले साथी के जवाब सही हैं। एक राइट आंसर, सिर पादमुखी कहा जाता है उसको, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। एक राइट आंसर, सिर पादमुखी अनुक्रम कहते हैं इसको, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। एक राइट आंसर, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ने की, शिक्षा की समायोजना की, अच्छे परीक्षा के परिणाम देने की। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए फटाफट सभी साथी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर कमेंट करके बताएंगे कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है, फटाफट आंसर कमेंट करके बताइएगा। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फ्रेंड, आप सभी साथियों के जवाब सही भैया। किशोरावस्था की सबसे प्रमुख समस्या है समायोजन की, उपयुक्त परिस्थितियों के साथ समायोजन करना किशोरावस्था की सबसे प्रमुख समस्या है, इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी इज राइट आंसर, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान और तनाव की अवस्था है, यह मानना स्टेनले हाल का बार बार आपसे पूछा जाता है, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष तनाव तूफान और विरोध की अवस्था, ऐसा कहना स्टेनले हाल का है, जिन्होंने अपने पुस्तक में इस तथ्य को फरमाया था। इनकी पुस्तक का नाम है फ्रेंड एडोलसेंस, इनकी पुस्तक का नाम है एडोलसेंस, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से सहस्वावस्था की विशेषता नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, सहस्वावस्था की विशेषता नहीं है, शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना। अरे भैया बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, आंसर तो आप लोगों के सही होनी चाहिए भैया। शारीरिक विकास में तीव्रता या विशेषता है, मानसिक विकास में तीव्रता यह भी विशेषता है, और दूसरे पर निर्भरता यह भी विशेषता है, और नैतिकता का अभाव होता है, आप सभी को पता है फ्रेंड की छोटे बड़ों का आदर करना, किसी से किस तरीके से बात करनी, इस तमाम प्रकार की नैतिकता का अभाव होता है उसमें, इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, डी कमेंट करने वाले मेरे सभी साथियों के जवाब 100% सही है, डी इज द राइट आंसर। किशोरावस्था में नैतिकता का सहस्वावस्था में नैतिकता का अभाव होता है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विकलांग बच्चों से समझते हैं, विकलांग बालकों से समझते हैं ऐसे बालक जो मानसिक रूप से ग्रसित हों, जो शारीरिक रूप से ग्रसित हों, जो अंधे हों, या इनमें से कोई नहीं। क्या फ्रेंड विकलांग बच्चों की बात कर रहे हैं, फटा से बताइए क्या होगा सही जवाब। विकलांग बच्चों से आप क्या समझते हैं, जो मानसिक रूप से ग्रसित उन्हें विकलांग कहेंगे, या जो शारीरिक रूप से ग्रसित उन्हें विकलांग कहेंगे, या जो अंधे उन्हें विकलांग कहेंगे, इनमें से कोई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आपका आ रहा है, अच्छा एकदम लग रहा है कि बहुत अच्छा। जो शारीरिक रूप से भैया क्षतिग्रस्त हों, ग्रसित हों, उन्हें ही विकलांग बालक कहा जाता है, विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का लिए बिल्कुल सही जवाब है, बी द राइट आंसर। जी हाँ, उन्हें ही हम
विकलांग बालक की संख्या देते हैं। विकल्प नंबर बी वाले सभी साथियों के जवाब सही। एक बार फिर सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने भी साथी लाइव हैं एक बार जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करेंगे सभी साथी सभी ग्रुपों में। आगे बढ़ेंगे हम लोग वीडियो को लेकर। हकलाने का कारण है जीभ का उल्टा होना, जीभ का छोटा होना शारीरिक क्यों, मनोवैज्ञानिक क्यों, मानसिक कारण। सिंपल है क्वेश्चन, फटाक से आंसर कमेंट कर बताइएगा। हकलाने का कारण क्या होता है? जीभ का उल्टा होना, जीभ का छोटा होना शारीरिक क्यों, मनोवैज्ञानिक क्या, मानसिक कारण, फटाफट बताएंगे। बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। दिमाग लगाइएगा और आंसर कमेंट कर दीजिएगा। सभी साथी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन टाइप करेंगे। जय हाँ, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। बी ए सी डी लगभग लगभग सारे क्वेश्चन, सारी जो ऑप्शन है वो विकल्प में आ चुके हैं, लेकिन जो परसेंटेज बढ़ रहा है वो विकल्प नंबर बी का बढ़ रहा है, जो कि गलत है। सी वाले साथियों के जवाब सही है, क्योंकि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों कारण होता है हकलाने का। अब देखिए शारीरिक क्या होता है, जब जीभ में या मुख में कोई विकृति पाई जाती है उसके कारण बच्चा हकलाता है, ये तो शारीरिक हो गया। अब मानसिक मनोवैज्ञानिक कैसे है कि बच्चे दुलार जो है, बच्चे दुलार वह हकला कर बोलते हैं और माता पिता को ये चीज़ें पसंद आती हैं और वह उस पर सुधार की कोई प्रक्रिया नहीं देते हैं और नहीं चाहते कि उसमें सुधार हो, तो धीरे धीरे ये बच्चों के आदत में आ जाती है और वह हकला के ही बोलने लगता है, ये मनोवैज्ञानिक रीजन होता है। जी हाँ, विकल्प नंबर तीस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करके, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए सबसे पहले देना चाहिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम पर, लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर, निबंधात्मक प्रश्नों पर, या मौखियात्मक प्रश्नों पर। कह रहे हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए सबसे पहले देना चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न सबसे पहले देना चाहिए, आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जल्दी से बताइएगा। प्रतिभाशाली बालकों की बात कर रही है तो सबसे पहले उनको हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणामों पर जो है पहचान करेंगे प्रतिभाशाली बालकों की। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम पर यह विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते, कौन विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, दुबले बालक, या मंदबुद्धि बालक। यहाँ फ्रेंड पूछा जा रहा है कौन से पिछड़े बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर कमेंट करना प्रारंभ करें सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर प्रारंभ करें। बहुत बढ़िया आंसर आ गया है, एक सी सी सी, चलिए डी भी आंसर आ गया है। विकल्प नंबर डी और सी आंसर आ रहे हैं। पिछड़े बालक ये विशिष्ट बालक हैं, विकलांग बालक ये भी विशिष्ट बालक हैं, मंदबुद्धि बालक ये भी विशिष्ट बालक हैं, दुबले वाले फ्रेंड जो बालक होते हैं वह विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं, इसलिए विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी द राइट आंसर, दुबले बालक जो है विशिष्ट बालकों की कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिक भिन्नता पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं फ्रांसिस गाल्टन, स्टेनले हाल, गिलफोर्ड और पियाजे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेंड, आई होप मेरे सभी साथियों के जवाब सही होने चाहिए कि व्यक्तिक भिन्नता पर जिन्होंने सबसे पहले काम किया था फ्रेंड, उसका नाम है फ्रांसिस गाल्टन। जी हाँ, फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिक भिन्नता संबंधित सिद्धांत पर सर्वप्रथम अपना मत दिया था, इसलिए इनको व्यक्तिक भिन्नता का जनक भी कहा जाता है। फ्रांसिस गाल्टन इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर, फ्रांसिस गाल्टन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। जब एक व्यक्ति कहता है कि राम ने अध्यापन के लिए अक्षमता है, तो इसका अर्थ होता है राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है, राम बच्चों को टोकर करना जानता है, राम अच्छी बातें कर सकता है, राम हंसना जानता है। सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेंड, आई होप आप सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही होंगे। कह रहा है कि जब एक व्यक्ति कहता है कि राम अध्यापन के लिए अक्षमता है, राम में अध्यापन के लिए अक्षमता है, तो इसका कारण क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप मेरे सभी साथियों के जवाब सही होंगे भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ए इज द राइट आंसर कि राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है, कौन सा आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है, विषमता, अभिवृत्ति, बुद्धि या व्यक्तित्व। फटाफट बताए फ्रेंड, कौन सा आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे।
जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट कराइए। देखिए, अविक्षमता या अनुवंशिकता से प्राप्त होती है, बुद्धि यह भी, व्यक्तित्व ये सारे गुण आपको अनुवंशिकता इस पर डिपेंड करती है, लेकिन अभिवृत्ति अनुवंशिकता से नहीं होती है फ्रेंड, यह वातावरणीय प्रभाव का देन होता है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसी के अनुसार अभिवृत्ति को जारी रखता है, निर्धारित करता है। इसलिए विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी द राइट आंसर, अभिवृत्ति एटीट्यूड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित क्रियाएं हैं, आदत, प्रवृत्ति क्रियाएं, मूल प्रवृत्ति या प्राथमिक अभिप्रेरणा, कौन सा अर्जित किया जा सकता है, फटाक से बताइएगा कौन सा अर्जित है। ये कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखिए, मूल प्रवृत्ति ये जन्मजात होती है, बालक में जो मूल प्रवृत्ति की क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, इसलिए सी वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। प्राथमिक अप्रेरक या प्रेरणा की बात करें यह भी जन्मजात होती है, प्रवृत्ति क्रियाएं यह भी जन्मजात होती हैं, और जो अर्जित की जाती है फ्रेंड वह है आदत। आदत क्या होती है, अर्जित की जाती है, इसीलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ए द राइट आंसर, आदत को अर्जित किया जाता है, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम अवधान की आवश्यकता होती है, पूछा जा रहा फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम अवधान की आवश्यकता होती है, आदत में, अधिगम में, संप्रत्यय निर्माण में, समस्या समाधान में, बताए फ्रेंड निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम अवधान की आवश्यकता होती है, फटाक से आंसर कमेंट में बताएंगे। बिल्कुल सिंपल का क्वेश्चन है, किसमें सबसे कम ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है, जल्दी से बताएंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अरे भाई काहे इतना परेशान हो रहे हैं आप लोग, अधिगम में अवधान की आवश्यकता होती है, संप्रत्यय निर्माण में भी अधिगम अवधान की मतलब ध्यान की आवश्यकता होती है, समस्या समाधान के लिए तो ध्यान निश्चित तौर पे होना चाहिए, आदत में किसी प्रकार के अवधान की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जब आदत जो आपका बनता है वह ध्यान लगाकर आप नहीं बनते, जैसे सुबह आपको अगर 4 बजे उठना है, तो 4 बजे उठने के लिए किसी प्रकार के अवधान की आवश्यकता नहीं होती है, आपके उठते 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 आपके ये हैबिट में हो जाएगा। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है, संवेगात्मक अस्थिरता, प्रमुख कार्यों में संतोष, अतिशयता का अभाव, आत्मविश्वास। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर कमेंट करके बताया फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या है। जी हाँ, देखिए मानसिक रूप से अस्थिरता का जो लक्षण होता है फ्रेंड जो नहीं है वह संवेगात्मक अस्थिरता। संवेगात्मक अस्थिरता जो है फ्रेंड वह मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है, बाकी कार्यों में संतोष, अतिशयता का अभाव, आत्मविश्वास ये सारे जो है आपके मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है, जो नहीं है फ्रेंड वह संवेगों में अस्थिरता। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर। ए कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। आगे बढ़ेंगे, चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, हाँ देख लेते हैं इसको। करे हर्बर्ट द्वारा दिए गए पाठ योजना के अनुसार उपागम चरणों का उपयुक्त कार्यिक क्रम है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग और प्रस्तावना, सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना और प्रस्तावना। बताए फ्रेंड हर्बर्ट ने जो पाठ योजना के जो क्रम दिए हैं उनका सही क्रम क्या है, फटाक से बताइएगा क्या इसका सही जवाब। सबसे पहले प्रस्तावना, बहुत बढ़िया, ए कमेंट का आप जो कर रहे हैं उनका जवाब सही है भैया, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। सबसे पहले प्रस्तावना होती है, तत्पश्चात प्रस्तुतिकरण, उसके बाद तुलना, सामान्यकरण और लास्ट में अनुप्रयोग। यह है बिल्कुल सही क्रम, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही क्रम है, ए इज द राइट आंसर। ए विकल्प करने वाले सभी साथियों के जवाब सही है। मानसिक उद्देलन विधि की विशेषता होती है, यह बालकों में तर्क एवं निर्णय शक्ति को बढ़ाती है, बालकों को मजबूत बनाती है, बालकों को प्रतिभाशाली बनाती है, बालकों को गुणी बनाती है। पढ़ा जाता है फ्रेंड मानसिक उद्देलन विधि जो है की विशेषता क्या होती है, मानसिक उद्देलन विधि की विशेषता क्या होती है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कमेंट तत्व में फटाफट जाइए, आंसर कमेंट करिएगा। ए ए ए ए ए ए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ए इज द राइट आंसर। बालकों में तर्क और निर्णय की शक्ति को बढ़ाती है, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।
ए इज द राइट आंसर। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि जो मानसिक उद्वेलन विधि होती है वह बालकों में तर्क और निर्णय क्षमता को बढ़ाती है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। अध्यापक और मनोविज्ञान का संबंध है। मनोविज्ञान अध्यापन को प्रभावी बनाता है, मनोविज्ञान मानसिक विकास करता है, मनोविज्ञान समाज का निर्माण करता है, मनोविज्ञान व्यवहारिक बनाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप मेरे सभी साथियों के जवाब सही होंगे। अध्यापन और मनोविज्ञान का क्या संबंध है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सभी लोग छाप दीजिएगा कमेंट, जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 17 का। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या है। चलिए ए ए ए ए ए ए विकल्प नंबर ए आना फिर भी प्रारंभ हो गया है। बहुत अच्छा है कि जो मनोविज्ञान होता है फ्रेंड वो अध्यापन को प्रभावी बनाता है। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि मनोविज्ञान अध्यापन को प्रभावी बनाता है, यही मनोविज्ञान और अध्यापन का संबंध है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अध्यापक की प्रभावशीलता निर्भर करती है इस बात पर कि वह छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय करता है, छात्रों को डांटने पर, शांत रखने पर, सवाल पूछने पर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, इसका भी जवाब तो विकल्प नंबर ए ही होगा, क्योंकि जितना वह सक्रिय रहता है उतना ही उसकी प्रभावशीलता दिखती है, कि जितना छात्र सक्रिय है उतना शिक्षक की प्रभावशीलता कक्षा में दिखती है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका भी सही जवाब हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ये प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए इज द राइट आंसर। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है मूल्यांकन, डिस्कशन, बुद्धि का विकास, नौकरी लगना। नौकरी लगना, बताइए ये मूल्यांकन, डिस्कशन, बुद्धि का विकास या नौकरी लगना? आपकी और मेरे हिसाब से तो नौकरी लगना होगा, लेकिन मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से आंसर बताना होगा कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है विकल्प नंबर ए वैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन। बहुत बढ़िया, ए इज द राइट आंसर। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण वैल्यूएशन और मूल्यांकन है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जी हाँ, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है आगमन विधि पर, निगमन विधि पर, प्रयोगात्मक विधि पर या अध्यापन विधि पर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यह भी है, इसके भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके भी आंसर कमेंट करिए क्या इसका सही जवाब, कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है वह किस पर लागू होता है, किस सिद्धांत पर लागू है? फटाफट आंसर बताइएगा, जल्दी से बताइए क्या इसका सही जवाब। जी हाँ, आंसर आना प्रारंभ हो चुका है विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए आंसर आ गया है। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करिएगा। देखिए आगमन से जो विधि होता है उसके अंदर क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम सरल बातों को बताते हैं, मतलब जो बातों की बच्चों को जानकारी रहती है उस ऐसे उदाहरण का हम प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे सिद्धांत पर पहुँचते हैं। मतलब हम ज्ञात वस्तुओं का सहारा लेकर अज्ञात ज्ञान को छात्रों को कराते हैं, इसीलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ए द राइट आंसर। आगमन विधि इज द राइट आंसर। आगमन विधि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ज्ञात से अज्ञात के जो सिद्धांत है फ्रेंड आगमन विधि पर आधारित, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका भी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, ए इज द राइट आंसर। ए इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब है। तो यह था फ्रेंड आई होप आज का आपका क्लास, आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी लोग लास्ट में जो है अपने अपने आंसर कमेंट करिएगा, कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय, बने रहिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ।